नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव में जनता ने किया मतदान, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। चुनावी मैदान में किस्मत आसमाने उतरी, पूर्व मेयर को जनता ने सुनाई खरी खोटी, विरोध के बाद समर्थकों के साथ वापस लौटे प्रत्याशी। और मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहर के विभिन्न वार्डों का किया भ्रमण, जनता से मांगा एक मौका। अब खबरें विस्तार से। कई तरह की बाधाओं और आशंकाओं के बाद आखिरकार रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसको लेकर भागलपुर के 2 नगर परिषद और 3 नगर पंचायत में रविवार की सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसको लेकर भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न नगर निकाय के बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के 28 वार्ड के लिए 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि यहां मतदान को लेकर बनाए गए कुल 64 बूथ पर सभापति और उपसभापति पद के लिए 13-13 प्रत्याशी के अलावा पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। सुल्तानगंज में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं चुनाव कार्य और मतदान केंद्र का दलबल के साथ जायजा लेने पहुंचे सदर एसडीओ से निर्वाची पदाधिकारी धनंजय कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया। सदर एसडीओ ने कहा कि सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के कुल 64 बूथ पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण जारी रही और ठंड की वजह से शुरू में मतदाताओं में कम भीड़ दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मतदाताओं के आने का सिलसिला तेज हो गया। 11 बजे तक लगभग 20-21% के करीब मतदान हुआ है और सभी जगह शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। कहीं पे भी हम लोग को CU BU रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसा होना चाहिए वैसे धीमी गति लग रहा है कुछ इसका। हाँ, शायद ठंडा का मौसम है तो अब शायद दिन में जैसे धूप निकल गई है तो निश्चित रूप से टर्न बढ़ेगी इसके बाद। इधर जिले के नवगछिया नगर परिषद में पहले चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी 28 वार्डों में लोगों के बीच खासा उत्साह देखा गया। नगर परिषद नवगछिया के 43,169 मतदाताओं द्वारा 143 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, जिसको लेकर सुबह से ही मतदाताओं के वोटिंग बूथ पर आने का सिलसिला जारी रहा। बता दें कि दंडाधिकारी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवगछिया नगर परिषद मुख्य पार्षद पद के लिए 9 और उप मुख्य पार्षद के लिए 8 प्रत्याशी एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 126 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया, जिसका फैसला 20 दिसंबर को मतगणना के साथ सामने आएगा। नवगछिया में 2 जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था के साथ केंद्र को सजाया भी गया है। अब तक देखिए कहीं से कोई शिकायत नहीं है, ना तो किसी पब्लिक शिकायत किया है, ना कोई कैंडिडेट शिकायत किया है, ना मीडिया की ओर से कंप्लेन आया है। हर जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लगभग 7 लेयर में व्यवस्था की गई है। हर बूथ पे आपका PCC पेस्टिक है, उसके अलावा सेक्टर्स है, जोन है, सुपर जोन है, SDPO और SDO का टीम है, उसके अलावा आपका DSP हेडक्वार्टर और एक सीनियर मजिस्ट्रेट टीम है। हमारा 6 QRT है, सबो थाना प्रभारी है और हम तो लगातार भ्रमणशील है। वहीं पीरपैंती नगर पंचायत में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस दौरान मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। DSP शिवानंद सिंह और SDM मधुकांत ने प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। साथ ही कहा कि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी चुनाव में नहीं हुई है। वहीं बांका के अमरपुर नगर पंचायत में रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में नगर निकाय के लिए चल रहा मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान बांका के SDM डॉक्टर प्रीति एवं SDPO विपिन बिहारी ने अलग अलग बूथों का निरीक्षण किया और लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। वहीं SDM ने अलग अलग बूथों पर जाकर मतदाताओं की पहचान की, जबकि बोगस वोटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंचे मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया, जबकि बुजुर्ग एवं दिव्यांग वोटर ने भी काफी उत्साह से वोटिंग में हिस्सा लिया। नगर निकाय का चुनाव आज दिनांक 18 दिसंबर को है
सात बजे से सुबह से लेकर के पाँच बजे तक यहाँ पर मतदान होना है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो, भयमुक्त माहौल में हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी तरीके से हो, इसकी पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन के द्वारा किया गया है। हम लोग भी मोबाइल रह करके पूरे क्षेत्र में हम लोग भ्रमणशील हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर दो चरणों में होने वाले बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव तो रविवार को संपन्न हो गया, लेकिन दूसरे चरण में होने वाले भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में प्रचार प्रसार के साथ विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी जा रही है। एक ओर जहां नगर निगम चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं, वहीं एक बार फिर नगर निगम के महापौर पद के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आसमाने उतरी। पूर्व मेयर सीमा शाह, उनके पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह और उनके समर्थकों को जनता के बीच भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रविवार को अपनी पत्नी और मेयर प्रत्याशी सीमा शाह के पक्ष में वोट मांगने वारसलीगंज वार्ड 50 में गए जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह को वार्ड की जनता ने जमकर खारी खोटी सुनाई और विरोध जताया। बता दें कि सीमा शाह पूर्व में वार्ड 50 की वार्ड पार्षद रही है, जिसके कारण वो महापौर भी बनी, लेकिन उनके कार्यकाल में क्षेत्र की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें जनता का विरोध झेलना पड़ा। वहीं इस विरोध के दौरान वार्ड 50 की जनता ने सिल्क टीवी संवाददाता से अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि 5 साल के दरमियान महापौर सीमा शाह ने एक बार भी अपने वार्ड का भ्रमण नहीं किया, जबकि वार्ड 50 में सड़क नाले में है या नाले में सड़क, इसका पता ही नहीं चल पाता। लोगों का कहना है कि वार्ड में चारों तरफ गंदगी फैली है, लेकिन हमेशा उन लोगों के साथ सौतेला रवैया अपनाया जाता रहा है। साथ ही इलाके के लोगों ने इस चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करने से भी इनकार कर दिया। कोई काम नहीं किया गया वार्ड में, कोई काम नहीं किया गया है। 5 साल सीमा साहब भी वार्ड पार्षद रहे हैं और उप महापौर भी रहे, मेयर भी रहे हैं वो, लेकिन वो आज झलक दिखलाने आए हैं वोट के समय के बारे में। पूर्ण वोट मांगने आए थे और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास भी कुछ नहीं हुए हैं 5 साल में, सब बाधित है। हम लोग नरक में जी रहे हैं, सब स्कूल के आने जाने बच्चे वाले को सबको अभी दिक्कत हो रहे हैं, सबको स्कूल गाड़ी फलना चलना सबको जा रहा है, दिक्कत हो रहे हैं उसमें। और आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, ये चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वो अभी आए हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, वो काम नहीं किए हैं वार्ड में, कुछ नहीं हुआ है। सारा नरक में तो हम डूबे हुए हैं बेटा, सारा नरक में तो हम हैं, सरों का नरक यहीं पर लगता है। ये बीमारी हुआ कौन आएगा हमको देखने के लिए, बहुत बार करते हैं कुछ नहीं सुन, कोई सुनवाई नहीं लेता है बेटा, कभी नहीं आई है, झांकने भी नहीं आई है, क्या मुसीबत में है। कौन आया था जो ध्यान नहीं दिया, हम यहाँ नहीं थे, डॉक्टर यहाँ गए थे। बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी प्रत्याशी जो है चुनावी प्रचार को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे में अगर पड़ताल करने जब हम निवर्तमान प्रत्याशियों के इलाके में पहुँचे तो वहाँ के लोगों का कई जगहों पर कहना है कि जो है 5 साल में जो है किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। अगर पूर्व महापौर मेयर सीमा शाह की अगर बात करें तो उनके वार्ड में भी किसी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कें जो है नाले के पानी से ग्रसित रहती है, जबकि लोगों को आने आवाजाही में काफ़ी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि 5 साल बीत गए लेकिन पूर्व महापौर सीमा शाह एक बार भी वार्ड का झलक देखने तक नहीं आई। हमारे साथ कुछ इलाके के लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि 5 साल में क्या कुछ विकास कार्य हो पाया। जी बताएं, क्या नाम है आपका? रितेश कुमार शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? वारसलीगंज मिर्जानाट। ये बताइए कि यहाँ की जो है पूर्व जो वार्ड पार्षद रही, जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर सीमा शाह रहे, तो 5 साल में किस तरह का कार्य हो पाया यहाँ पर? देखिए, कहाँ हुआ है ये तो हम नहीं कह सकते, मेरे वारसलीगंज में तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सदैव नाली का पानी रोड पे चल रहा है तो चल ही रहा है, 6 महीना से अभी यही गति है। कितनी समस्या होती है? समस्या हम लोग को क्या, बस यही नाला का पानी रोड पे आता है, यही समस्या है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो है सड़कों पर पूरा पानी भरा हुआ है, घर से लोगों को निकलने में भी काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। हाँ, वो तो हो ही रहा है। क्या इसको लेकर आप लोगों ने कभी महापौर से मिलने की कोशिश की थी? नहीं, कोशिश तो नहीं की है मिलने की। क्या कभी वो मिलने के नहीं किए हैं कोशिश, और ना ही हम लोग उनको कभी आते हुए देखे हैं, कभी यहाँ का दौरा नहीं? नहीं, वारसलीगंज में तो हम नहीं देखे हैं आते हुए। आज जो है चुनाव का समय आ चुका है, लोग वोट मांग रहे हैं, फिर से महापौर आएंगी, तो क्या वोट के लिए अब आप लोगों का क्या होगा? नहीं, हम लोग मन यही बनाए कि हमको तो वोटिंग करना ही नहीं है, वोटिंग ही नहीं करना है। चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? अगर किसे चुनेंगे, जिसे भी चुनेंगे, तो चुनावी मुद्दा आप लोगों का क्या होगा?
चुनावी मुद्दा यही है, साफ सफाई रहना चाहिए, नाली का पानी रोड पे जा रहा है, यही सब, ये नहीं होना चाहिए और क्या। तो जैसा कि देखा आपने कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोग इस बार जो है साफ अपने मतों का जो है वो प्रयोग करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पाया है, और जबकि मेयर महापौर सीमा साहब भी इलाके में एक बार भी भ्रमण के लिए नहीं आई। हालांकि आज जो है फिर से जो चुनाव को लेकर के फिर से जो सभी संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग वोट मांगने के लिए आए, जिसका बहिष्कार भी किया गया। लोगों ने पूर्व महापौर को वोटिंग करने के लिए जो है साफ बहिष्कार किया है, उन्होंने वोटिंग करने से मना किया है। फिलहाल भागलपुर से इतना ही, सिल्क टीवी के लिए इशुराज। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में सरगर्मियां तेज हो गई है। इसको लेकर महापौर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार अलग अलग वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्हें लोगों का खूब समर्थन भी मिल रहा है। वहीं रविवार को सुबह से ही जनसंपर्क के लिए अपने समर्थकों और महिला टोली के साथ निकली मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नाथनगर के वार्ड नंबर 5 और 11 के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर बिहारी लाल और डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा नाथनगर और आसपास के इलाकों में किए गए पूर्व के सेवा कार्य को लेकर ज्ञानू गुप्ता, रजनीश कुमार और दीपक कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि लोगों ने एक शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के उम्मीदवार को मेयर चुनने के लिए आसपास के लोगों से भी अपील की। इसके अलावा महापौर प्रत्याशी समेत उनके समर्थकों ने परिवर्तन और नगर निगम क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर कार्य करने वाले उम्मीदवार को मौका देने की बात कही। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं के साथ पुरुष समर्थकों ने भी घर घर जाकर लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बात फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रंग महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को शहर के कई चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। शहर के आदमपुर चौक, घंटाघर चौक, कोतवाली चौक समेत कई जगहों पर देश के अलग अलग राज्य और जिलों से आए कलाकारों ने सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इस दौरान उड़ीसा के कलाकारों ने पंचतत्व और वाराणसी के कलाकार ने मेध
दूतम नाटक की प्रस्तुति दी, जबकि बंगाल के कोलकाता से आए कलाकारों के अलावा शारदा नाट्य मंच धनबाद की टीम ने भी बेहतरीन कला की प्रस्तुति देते हुए भारतीय संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर आकर्षक प्रस्तुति दी। इसके अलावा कला केंद्र में विभिन्न राज्यों से पहुंचे कलाकार और उनकी टीम ने आकर्षक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसका वहां मौजूद लोगों ने जमकर आनंद लिया। साथ ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान एवं कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाने वाले रंग महोत्सव के लिए आयोजकों की भरपूर सराहना भी की गई। मौके पर जिले के विभिन्न जगहों से पहुंचे बुद्धिजीवी और कलाकारों के साथ देश के अलग अलग जगहों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही गई। सोमवार को रंग जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति और कला का प्रदर्शन भ्रमण मार्ग से किया जाएगा। क्रिसमस को लेकर नाथनगर के चर्च में ईसाई समुदाय की ओर से कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीत संगीत के साथ कई विधाओं की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान लोगों ने कोरोना काल के बाद इस वर्ष पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत यीशु और मदर मरियम को याद कर किया गया, जिसमें कैंडल जलाकर लोगों ने प्रार्थना की और प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम लोग का ये अपना साहेबगंज चर्च जो है ये छोटा सा है परिवार, और हम लोग क्रिसमस की उत्सव जो होता है ना, एक साथ मिलन समारोह, क्रिसमस गैदरिंग, उसके रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें पूरा हम लोग का जितना क्रिश्चियन फैमिली सब है, अपने लिए कुछ भी सुख व्यक्त करना, कुछ हर्षोल्लास करना, ईश्वर के जन्म के पूर्व हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, विश्व को, कि आपसी प्रेम में छोटे से जगह में भी आप अपने को अच्छे से विकसित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव में जनता ने किया मतदान, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। चुनावी मैदान में किस्मत आसमान ने उतरी, पूर्व मेयर को जनता ने सुनाई खरी खोटी, विरोध के बाद समर्थकों के साथ वापस लौटे प्रत्याशी। और मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहर के विभिन्न वार्डों का किया भ्रमण, जनता से मांगा एक मौका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।